हेलो गाइज, आजकल इंटरनेट का जमाना है। हमारे दिमाग में जो भी कुछ आता है हम इंटरनेट पे सर्च कर देते हैं। ऐसे में कोई यूट्यूब पे सर्च करता है, कोई गूगल पे सर्च करता है, कोई पर्सनल वेबसाइट पे सर्च करता है। तो ऐसे में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, अगर आप यूट्यूब यूजर हैं या फिर यूट्यूबर हैं, तो आपको ये पांच चीजें बिल्कुल भी सर्च नहीं करनी जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस पांच चीजों को सर्च किया तो आप बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं और साथ ही साथ यहां पे आपको काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये पांच बातें कौन कौन सी है जो कि हमें यूट्यूब पे बिल्कुल भी सर्च नहीं करना, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर खान, और आप देख रहे हैं डिजिटल गियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। वेलकम बैक गाइज। अगर आप एक इंटरनेट यूजर है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो भी हम सर्च करते हैं गूगल हमारी रिकॉर्ड रखती है, या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब हमारी रिकॉर्ड रखती है। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब या गूगल की हिस्ट्री से अपने रिकॉर्ड को मिटा देने पे, डिलीट कर देने पे आपकी रिकॉर्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गूगल या यूट्यूब के सर्वर पे आपकी एक्टिविटी हमेशा रिकॉर्ड रहती है। तो दोस्तों सबसे पहली नंबर बात यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, एडल्ट्स वेबसाइट, एडल्ट्स कोई भी चीजें आपको नहीं सर्च करनी। जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब पे कोई भी गलत चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहती, उसे यूट्यूब डिलीट कर देता है, फाइंड करके उसे बंद कर देता है। लेकिन जिन्हें ये बातें नहीं पता है वो यूट्यूब पे एडल्ट चीजें को सर्च करते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसा काम करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन यूट्यूब पे जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो यूट्यूब को समझ आता है कि ये बंदा इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद करेगा, उसी टाइप की वीडियो आपके सर्च इंजन में देखने को मिलेंगे, या फिर होम पेज पे आपको देखने को मिलेंगे, या फिर होम फीड में आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आप अपनी मोबाइल ओपन करेंगे किसी के भी सामने, तो वही एडल्ट टाइप वीडियो आपको वहां पे होम पेज पे देखने को मिलेगा। ऐसे में आप शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स या फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ के, कभी भी आप यूट्यूब को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी टाइप से है कि आप जो चीजें ज्यादा सर्च करेंगे उसी से रिलेटेड वीडियो, उसी से रिलेटेड चीजें आपके होम पेज में, आपके होम फीड में दिखाई जाती है। और बात करते हैं दूसरे नंबर टिप्स की, दोस्तों क्राइम रिलेटेड। जी हां दोस्तों, जैसे कि काफी लोग क्राइम रिलेटेड वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, बम कैसे बनाए, या फिर कट्टा कैसे बनाए, या फिर घर बैठे बंदूक की गोली कैसे बनाए, या फिर मेटल डिटेक्टर को बाईपास कैसे करें, या फिर मेटल डिटेक्टर से खुद को कैसे बचाएं, यानी कुछ भी क्राइम रिलेटेड आपको वीडियो सर्च नहीं करनी। अगर इससे रिलेटेड चीजें आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर उस कंट्री में इस टाइप की कोई भी घटना घटती है तो साइबर सेल यानी साइबर सिक्योरिटी वाले यूट्यूब से पूरा डेटा लेते हैं और डेटा लेके वहां पे सर्च करेंगे। तो ऐसे में आपकी भी नाम उसमें आ सकता है, और ऐसे में अगर आप क्राइम नहीं भी किए होंगे सिर्फ वीडियो देखे होंगे तो आप वहां फंस सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जेल भी शायद जाना पड़ सकता है। टिप्स नंबर 3, सुसाइड रिलेटेड वीडियो। जी हाँ दोस्तों, काफी लोग ऐसे होते हैं प्यार में पड़ जाते हैं, दोस्ती में पड़ जाते हैं, या फिर कुछ डिप्रेशन में है, या फिर ब्रेन वॉश हो गया है, तो ऐसे में वो वीडियो सर्च करते रहते हैं सुसाइड कैसे करें, जैसे कौन से पॉइजन की टेबलेट कितने देर में हमें मार सकता है, या फिर समथिंग समथिंग इसी टाइप से। यानी कि सुसाइड से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो सर्च ना करें और ना ही ऐसी सर्च करने की लत लगाए, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लत है और ऐसे में बहुत लोगों की जान जा चुकी है ऑनलाइन वीडियो देखने के कारण। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप सर्चिंग करते हैं सुसाइड से रिलेटेड कोई भी वीडियो तो आप बिल्कुल भी ना करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी घटना आसपास में होती है तो आप पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि आपकी रिकॉर्ड यूट्यूब के पास है, और ऐसे में साइबर सेल वाले यूट्यूब से वो रिकॉर्ड तो मांगेंगे उस एरिया के अकॉर्डिंग, और उस एरिया में जो जो पर्सन इस टाइप की सर्चिंग करता होगा उसे पकड़ते हैं, दबोचते हैं, और साथ ही साथ आप पे केस भी बन सकती है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की, तो यहाँ पे आ जाता है फ्रॉड। अब किस टाइप के दोस्तों, अलग अलग टाइप के लोग फ्रॉड करते हैं। जैसे कोई सर्च कर रहा है कि मुझे डुप्लीकेट पैसे बनाने हैं, कौन सी प्रिंटर ले, कौन सी कागज पे वो पैसे छापे जाते हैं, या फिर कोई सर्च कर रहा है कि सीसीटीवी को कैसे हैक करते हैं, कोई सर्च करता है फेक आईडी कैसे बनाए, फेक पासपोर्ट कैसे बनाए, फेक वीजा कैसे बनाए। इस टाइप से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो सर्च नहीं करनी यूट्यूब पे। खासतौर पर यूट्यूब इन लोगों पर केयर रखता है, ध्यान रखता है, क्योंकि इस टाइप के काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे भी इस टाइप के काफी सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको बचना इस चीजों से, आपको इसे बिल्कुल भी सर्च नहीं करना यूट्यूब के ऊपर, अदरवाइज आप पे बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है और आप फंस सकते हैं। बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की। दोस्तों हमें छोटी मोटी बीमारियां होती है, और यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बीमारियों का दवा बताते हैं, कोई घरेलू नुस्खा बताता है, कोई मेडिकल बताता है, कोई एक्सरसाइज बताता है, कोई योगा बताता है, तो हम अपनी प्रॉब्लम को वहां पे जाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आपके सिम्टम कुछ और हो सकती है और वहां पे सिम्टम कुछ और हो सकता है। हो सकता है कोई सिम्टम आपको मिल भी जाए, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो चीजें वो बताई जा रही हो वो 100% सही हो।
इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क ना ले अपने हेल्थ के साथ, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से मिले या फिर किसी जगह से मेडिसिन ले, ना कि यूट्यूब से देख के ले। अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर फील्ड से हैं तो आप इस चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग जिसे कुछ भी नहीं पता है, अगर वो लोग अपने बीमारी की दवा यूट्यूब से जाकर लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूं दोस्तों। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। जरूरी नहीं है यूट्यूब पे जो वीडियोज है वो 100% सही है, हो सकता है कि वो वीडियो आपके लिए नुकसानदायक हो सके, तो ऐसे आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह सर्च नहीं करना है यूट्यूब पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 5 चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही होगी और आपको पता चल गया होगा इसे हमें सर्च करने पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमें इससे कैसे बचना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।